हाँ दोस्तों, आज 27 तारीख है और मैं आपके लिए लेके आया था, इस पे टाटा स्टील पे थोड़ा अपडेट लेके आया था। टाटा स्टील अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कंटिन्यूस वॉल्यूम के साथ तोड़ रहा है। एक तकलीफ का काम है इसमें। बाइंग पोजीशन तो यहाँ पे सेंटीमेंट तो 80 हो गया और आप देखेंगे यहाँ रिकमेंडेशन भी आ रहा है, 24 जनवरी को 505 का रिकमेंडेशन भी आ गया है। डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी खासी 54% 56% के साथ हो रही है। बाइंग में अच्छी खासा टाटा स्टील में हो रहा है। अब देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 0.91 आ चुका है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या करें इसमें? समझ तो आता नहीं है। चार्ट क्या बोलता है? चार्ट तो हर लेवल पे निगेटिव, 458 की जगह 452 का करता है। तो रुक जाइए अभी इसमें थोड़ा। इसको एक आपको पैटर्न दिखाता हूँ जो आप खुद सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए, ये 20 दिन का, ये येलो लाइन जो है ना, 20 दिन का डेमा है, और ये जो है आपका 100 दिन का डेमा है, और ये 200, ये तीनों को क्रॉस करके नीचे ही काम कर रहा है। और वीकली पैटर्न पे भी देख लीजिए, तो ये जस्ट अभी इसने 100 दिन का वीकली बेसिस पे इसने 100 दिन का डेमा तोड़ा है। तो ये अभी नीचे काम करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर ये तोड़ा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये तो 200 का भी लेवल तोड़ेगा। तो क्या करना चाहिए फिर? अभी अभी होल्ड करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। अभी टाटा स्टील में बाइंग पोजीशन देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। स्किप है ये 700 800, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए एडलिविश का, एडलिविश ने इसको 720 का टारगेट दिया 11 दिसंबर को। ये 14 नवंबर को 840 का प्रो लीलाधर ने दिया है। ये सेंट्रम ने 800 का टारगेट दिया है। ये आईसीआईसी डायरेक्ट ने 16 अगस्त को 675 का टारगेट दिया है। जेएम फाइनेंशियल ने 745 का टारगेट दिया है। और इसलिए बोला कि टारगेट तो अच्छे खासे लोगों ने, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी 730 का दिया है, और अभी रिसेंटली जो आया है, अभी ये 11 दिसंबर को दिया है 720 का एडलिविश ने। तो टारगेट तो अच्छा दे रहा है, लेकिन इसका दो कंसर्न जो था ना, वो कंसर्न पता नहीं कब खत्म होगा। ये 3.51% हेजिंग, और दूसरा इसका जो सेल्स ग्रोथ है, टाटा स्टील का जो सेल्स ग्रोथ है ये निगेटिव है। ये दो एक कंसर्न है जो कि प्रेशर बना रहा है, और ये प्रेशर बनाए चाहे नहीं बनाए, ये चार्ट पे अभी वीक दिख रहा है, बहुत ही वीक दिख रहा है। और सरप्राइज नहीं होगा कि ये आपको पहले 400 और फिर 370 का लेवल दिखा दे, ये कोई सरप्राइज नहीं है। अभी 452 चल रहा है ये, तो इसमें बहुत ही निगेटिव है पैटर्न है। और डेरिवेटिव में भी मैं देख रहा था, तो जनवरी का तो बन ही रहा है, फरवरी में भी यहाँ पे पुट की और पोजीशन लोग बना रहे हैं और कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं। तो कोई भी अगर फरवरी का अगर पुट की ओर देखना चाहता है, तो टाटा स्टील में पोजी जो एकदम नहीं, अब 453 है, आप देख सकते हैं 28 फरवरी, तो आप 450 का पुट, 1 17 रुपया का एलटीपी बाई कर सकते हैं, और 500 का दो पुट आपको सेल करना है, कॉल सेल करना है, 6 रुपया का है, तो ये 12 रुपया हो गया। और आप 12 रुपया पे सेल कर रहे हैं और 5 रुपया पे आपको 17 पे बाई कर रहे हैं पुट को, तो आपका कुल और कॉल और पुट दोनों हेजिंग हो जाएगा और आपको दोनों तरफ फायदा देखने को मिल सकता है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 450 के पुट को आप एक बार इसको शॉर्ट मार दें, और इसको अगर 450 के पुट को शॉर्ट नहीं मारना, सॉरी 450 के पुट को बाई करना है आपको 17 रुपये में, और यही करना पड़ेगा, अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 450 के पुट को आप ले सकते हैं दिसंबर का, जो कि 17.5 रुपये के आसपास मिल रहा है आपको, मिल जाएगा, ऊपर नीचे होता रहता है, मिल जाएगा। और लास्ट महीने जनवरी में जिसने भी पोजीशन, मैंने जो आपको वीडियो में बना के दिया था, आप अगर मेरे वीडियो को देखते होंगे, तो मैंने आपको जितने भी वीडियो दिए थे टाटा स्टील पर दिए थे, आपको पुट लेने की सलाह दी थी। और अगर आपने पुट लिया होगा, उसमें पुट पे कोई पोजीशन बनाई होगी टाटा स्टील में, तो आपको फायदा ही फायदा हुआ होगा, लॉस तो होने का सवाल नहीं, क्योंकि मैं आपको हर समय वहां पे भी आपको पुट लेने की ही सलाह दिया था। तो
तो आप टाटा स्टील पे जा करके भी देख सकते हैं, और टाटा स्टील पुट 490, तो ये भी मैंने आपको जो दिया था पुट लेने के लिए बोला था, अगर 490 का पुट एट ए रेट ऑफ 15 to 16 मिल रहा था। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए टाटा स्टील का पुट 490 15 से 16 रुपये पे मिल रहा था, और अभी जा करके देखेंगे आप तो 490, अभी 453 का रेट चल रहा है, तो 490 का पुट जो मिल रहा था अभी 36 रुपये में मिल रहा है, पुट सॉरी 490 का पुट 34 रुपये में मिल रहा है, डबल हो चुका है। जो 15 से 16 रुपये में मिल रहा था वो अभी 34 रुपये में मिल रहा है। तो अगर किसी ने भी उस समय कोई भी पोजीशन बाय होगी, मैं उस समय यहाँ पे कॉल का सब्स्टिट्यूट भी दिया था, अभी वापस यही बोलता हूँ, फरवरी में भी उनको किसी को भी बनाना है तो पुट की और पोजीशन बनाए, आप अपनी सहूलियत देख लें, बट इन द मनी बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। किसी भी हालत में आपको 420 से नीचे नहीं जाना है, आपको कोई भी पुट का पोजीशन बना रहे हैं तो 450 का है तो 430 तक बना सकते हैं, अगर पैसे कम है तो 430 का भी पुट ले सकते हैं, 1,000 का लॉट होता है, 8,000 रुपया लगेगा। अब इससे नीचे आप जाते हैं तो ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग रिस्क हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली टाटा स्टील एक बार 400 का लेवल तोड़ेगा और उसके बाद ही अपर लेवल लेगा, अब ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यू फॉल बना रहा है, कंटिन्यू निगेटिव पैटर्न बनाते जा रहा है, और मंथली बेसिस पे देखेंगे तो आप देखिए क्या मतलब फुल बुलिश पैटर्न से सॉलिड बनाया हुआ है, तोड़ने के लिए तैयार है। और अब जो इसको सपोर्ट मिलेगा 427 पे है सपोर्ट है, और 427 के बाद सीधा 341 पे है, तो मुझे लगता है कि 427 पे रुका तो रुका, जो कि रुकेगा नहीं ऐसा दिखता नहीं है, तो 400 पे एक बार देख लीजिए कि ये क्या करता है, 400 को बनाता है, रोकता है, नहीं रुकता है, और नहीं रुकता है तो फिर ये आपको अच्छा खासा पैटर्न देते हुए, ये आपको एक बार इसको दिखा लें तो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी एक बार इसको चेक कर लेंगे क्या रेट पे हो सकता है, ये रुक सकता है, तो 401 का लेवल आता है जहां पे ये रुक सकता है, और 401 का लेवल तोड़ता है तो जैसा कि आपको बता ही दिया कि वहां पे फिर आपको यहाँ पे 150 का डिमांड, 200 का डिमांड, आप देख लीजिए इसका जो 150 का डिमांड यहाँ पे आके 389 पे रुक रहा है, 390 के आसपास रुक रहा है, 390 पे उसके बाद रुकता तो रुकता है, तो अब आपका जो सपोर्ट है 401 है, अभी अभी जो चल रहा है वो 452 चल रहा है, तो 401 पे सपोर्ट ले सकता है, पहले 427 है, फिर 401 है, 401 के बाद 392 है, और फिर वहां से 341 है, और मुझे लगता है कि ये जो क्रॉस कर रहा है, जो कि मैंने आपको डेज भी यहाँ पे दिखाया, अगर मैं आपको वीकली बेसिस पे दिखाता हूँ आपको 20, 100, 150, ये देखिए ये 20 दिन का डेमा जो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे देखिए, तो ये 20 दिन का डेमा जो है 100 दिन का डेमा को क्रॉस करके नीचे की ओर आ चुका है, तो शायद ये एक निगेटिव है, और हो सकता है 427, 401, 390 और फिर वहाँ से 350 की ओर जा सकता है ये, तो अभी इतना हड़बड़ी मत दिखाइए इसमें, जब तक ये 435, 450 क्रॉस नहीं करता है इसमें पोजिशन बना के कोई फायदा दिखता नहीं है, अभी 535 सॉरी, ये भी 535 क्रॉस करने दीजिए एक बार, नहीं तो एक बार 475 क्रॉस करता है तो भी एक बार उससे पोजीशन सोचा जा सकता है, ये 500 प्लस में ही बाइंग करेंगे तो आप बेहतर होगा, इसमें इसमें इतनी हड़बड़ी से बाइंग दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपको एक चीज़ देखूँ यहाँ पे, तो खाली एक चीज़ ये कंसर्न है कि अभी 27 तक RSI आ चुका है, तो चलो और नीचे जा सकता है, और MACD लाइन जो है वाह कितना सॉलिड, आपको देखिए गैप बना के एक और लो लेवल पे बनाने के लिए तैयार है, तो कहीं पे भी टाटा स्टील में पॉजिटिव पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है, तो टाटा स्टील में कॉशियस पोजीशन कंटिन्यू है, अभी भी निगेटिव है पैटर्न, तो टाटा स्टील में जो भी पोजीशन बनाए आप कॉशियसली बनाए और देख के बनाए, हो सकता है कि आपको इसमें अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है, तो टाटा स्टील में अभी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप
ये एक इस तरफ से भी देखें तो 389, 390 यहाँ पर भी देखिएगा तो आप सपोर्ट मिलेगा इसको 389। तो मेरे अंदाज से 390 के पास इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे 390 का सपोर्ट, वहाँ पे भी से आप देख रहे थे पिवट रेप्रेस 150 डेज का टेमा भी यहीं पे आता है, तो शायद यहाँ पे 390 के आसपास आकर के आपको यहाँ पे सपोर्ट देता हुआ दिखेगा, वो फिर यहाँ से अपोर लेता है, तो एक बार हो सकता है कि फिर यहाँ से अप लेते हुए ये जाए। और अगर ये तोड़ता है 390 का तोड़ता है तो क्या बताऊँ आपको, 322 भी 350 भी दिखा सकता है। चलिए बाद में डिस्कस कर लेंगे वहां पे वॉल्यूम क्या है, पैटर्न क्या है। अभी तो एक बार लगता है 390 इसको दिखाने का शौक है और 390 तक जा सकता है। तो टाटा स्टील में अभी भी मंदी ही दिख रहा है क्योंकि ये किसी भी वॉल्यूम पैटर्न पे ये रुकने को तैयार नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसके मंथली को जाके देखता हूँ, ये देखिए ये आप खुद देखिए क्या सॉलिड रेट बनाया है। तो अब जो है हो सकता है कि आपको यहाँ के बाद इस कैंडल के बाद इस कैंडल को मतलब 386 का लो बना सकता है ये, और फिर वहाँ से एक बार आपको 450 तक का भी, फिर से ऊपर 455 460 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो हो सकता है कि लास्ट मंथ 380 का लो बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए अगर ये बनाता है तो 450, 440 या 430 का डेरिवेटिव में कोई पोजीशन बनाते हैं, पुट में बनाते हैं, जिसका रेट अभी चल रहा है 450 का 17 रुपये, 440 का 11 रुपये 80 पैसा और 430 का चल रहा है 8 रुपया, तो आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। और अगर मैं इसके आज के डेट की बात डिटेल में बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट चेंज 15% है, बाय क्वांटिटी 33,000 है, सेल क्वांटिटी 12,000, मतलब कि इसमें पुट को बाय करने में ज़्यादा लोग हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये लो बनाया था 11 रुपये का, क्लोजिंग दिया 17 पे 17:10 का, जहाँ हाई बनाया वहीं पे ये क्लोज दिया है टाटा स्टील। रेट में भी वैसा ही हुआ है और क्वांटिटी में यहाँ पे भी पुट में भी यही दिख रहा है। तो टाटा स्टील में डेरिवेटिव पोजीशन पे पुट की और पोजीशन ही रिकमेंडेड है और सेल रिकमेंड है। तो टाटा स्टील में जो भी पोजीशन बने कॉशियसली बने, ये शॉर्ट टर्म के लिए बात हो रही है, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडर के लिए आप इसको बाय करें, एक्यूमुलेट करें, हर अपने 20-25% लेवल जब टूटता हो आपका आपके बाइंग रेट से 25% अगर नीचे आता है तो आप वहाँ उसको एवरेज कर सकते हैं। उसके बीच में एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक आप वेट करें, रखें और पोजीशन पे बने रहें, कोई इशू नहीं है। तो बाइंग रिकमेंडेशन 80% है टाटा स्टील में। आज 27 तारीख को यही पोजीशन दिखता है। ये सारा एजुकेशनल पर्पज से है, पोजीशन कोई भी बनाना हो मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करें, यहाँ प्रॉपर ट्रेडिंग करें, सीखें, नॉलेज लें, सीख लें, उसके बाद फिर अपने एडवाइजर से बात करके पोजीशन बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।